नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बात करें तेलोस पंचायत के नव निर्वाचित जो मुखिया हैं विकास जी, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे भी सीधे जुड़ते हैं और हम वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे कि जब जीत की खुशी है तो जनताओं को क्या कहना चाहेंगे। और काफ़ी जिद्दोजहद था तेलोस पंचायत में, बड़े बड़े उम्मीदवार बड़ी बड़ी मोटी व्यवस्था लेकर के जनताओं में अलग अलग तरह का ख्वाब दिखाने का काम कर रहे थे। और ये बेचारे शिक्षकगण हैं जो प्राइवेट ट्यूशन कर अपने जिद्दोजहद कर जिंदगी में पारघाट लगा रहे थे, अपना नैया जो है खेब रहे थे। तो सीधे इनसे जुड़ते हैं विकास जी से। विकास जी, सबसे पहले ये बताएं कि जब आप जीत की खुशी है तो जनताओं को पहले क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, उसके बाद रही जनता की, तो ये मेरी जीत नहीं, ये पूरे आवाम की जीत है। और ख़ास करके इस जीत में जो है मेरे शिक्षक सहपाठी और साथ ही साथ मेरा विद्यार्थी का अहम भूमिका रहा, युवाओं का अहम भूमिका रहा, महिला भी एक साथ जमजुट कर जो है मतदान किया, जिसके परिणाम जो है कुल कितना मत प्राप्त हुआ? 1498 मत जो है प्राप्त। कितना मतों से विजय हुए? 17 मतों से विजय हुए। और आपकी जो भाड़िया है, क्या शुभ नाम हुआ उनका? दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी जी, दिव्या कुमारी जी, हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि जीत के लिए जब आप जिद्दोजहद कर रहे थे तो लंबी बातचीत आपसे हमारी हुई थी पंचायत के विकास के मुद्दे पर, तो प्रथम दृष्टिकोण में कौन सा काम आपका रहेगा? जी, हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर से हम बोल रहे हैं, पहला कार्य मैं शिक्षा पर होगा ध्यान। और दूसरी बात, हम गली गली जब घूम रहे थे, मुझे इतनी परेशानी हुई, हम तभी कसम लिए, शपथ लिए, सबसे पहले हम गली नली, जो भी गली अधूरा है, नाले रोड जो भी अधूरा, हम सबको पूरा करेंगे और रोड गली गली रोड बनवाएंगे। अच्छा, आपके पंचायत में दो बड़ा मुद्दा है, एक तो कसरिया धार है और दूसरा है टोकरी बुनकर समिति है, उसको आगे आपको बढ़ाना है, वो आपके पंचायत की इज्जत का सवाल है। उस पर क्या काम, कितना आप काम करना चाहेंगे, क्या लगता है? जी, हम उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहेंगे और हम अभी सबसे जा रहे, पहले गांव के सभी जनताओं को सबसे धन्यवाद कहेंगे, जितने भी आवाम है सबको हम दिल से धन्यवाद कहेंगे, उसके बाद हम उन पे भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बढ़ावा दें, उनको आगे ले जाएं। अच्छा विकास जी, एक और मुद्दा की बात करते हैं। पहले कहे तो आपके तेलोस पंचायत में लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है, जैसा कि चर्चा हो जनता के माध्यम से मिल रहा था, तो ऐसा नहीं कि आप भी उसमें संलिप्त हो जाएंगे या भी लूट खसूट का काम धंधा चालू हो जाएगा या आपके कार्यकर्ता चालू कर देंगे, कुछ ऐसा तो बात नहीं है? देखिए, सबसे पहले हम एक शिक्षक हैं। अच्छा, और शिक्षक के बाद आज मुखिया हुए हैं और शिक्षक ही भाग विधाता होता है और शिक्षक के शिक्षक में ये अवगुण नहीं होती है, इसीलिए हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और अच्छी ढंग से अपने पंचायत को। चलिए धन्यवाद। देखिए अभी हम तेलोस पंचायत के मुखिया, कुमारी जिंदाबाद, 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 दिव्या कुमारी जिंदाबाद, 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 सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तो गांव गए थे जी जी, बहुत शिकायत जनता किया है जी जी कि अगला मुखिया 30,000 रुपया लिए है, 20,000 लिए, आप कितना लीजिएगा जी? मेरा जो है, जब हम काम करेंगे जनता का, तो वो घुसखोरी जो होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, इस पर अंकुश लगाएंगे और स्वच्छ और साफ रूप से हम जो है काम करेंगे। शौचालय में जुहार लीजिएगा? नहीं, किसी प्रकार का जो है घुसखोरी जो है हमारे पंचायत में नहीं चलेगा। ओ वृद्धा, इसमें लीजिएगा ना? और हम यहाँ इस आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, जो भी घूस लेना लेता है वह आज के समय से सावधान हो जाए, अब तेलोस पंचायत से घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। और नया सिरा से हम जो इस पंचायत के जो है नाम को आगे बढ़ाएंगे और जो है पूरे जो है खगड़िया जिला के में जो है इस आदर्श पंचायत के रूप में, जो पंचायत में जो 16 नगर घोटाला है, 16 लाख का, 20 लाख का, इसका कैसे उपाय कीजिएगा? पहले इसको हम बनवो ने किया है, सब पैसा निकल गया। सबसे पहले हम बारीकी रूप से वह कागज को समझेंगे, देखेंगे कहाँ पर क्या हुआ है, समझने के बाद उस पर सही और ठोस निर्णय लेंगे ताकि किसी प्रकार का जो है समस्या पंचायत में नहीं हो। चलिए ठीक। एक और विकास जी, आपके पंचायत में लगातार 4 स्कूल का हमने विजिट किया, चारों की बहुत बदतर हालत है। 11:30 बजे जब प्रार्थना होता है बच्चों की और टीचर लोग गायब रहते हैं, तो ये आपके पंचायत की बात है, आपके प्रतिष्ठा की बात है, तो ये आपको, चूंकि स्वयं आप शिक्षक हैं और प्राइवेट शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक पर कितना ध्यान आप दे पाएंगे कि आप मुखिया? सबसे पहले शिक्षा विभाग को हम बहुत अच्छी और बारीकी ढंग से समझते हैं। यहाँ पर सबसे कमी ये होती है कि शिक्षक और अभिभावक के बीच जो है एक मीटिंग नहीं हो पाता है। हम शिक्षक और अभिभावक के बीच बैठ के मीटिंग करेंगे और शिक्षक एक गुरु होते हैं, उससे हम हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि तेलोस पंचायत गरीब की बस्ती है, आप समय पर आइए, हम आपको आपका साथ देंगे और बच्चे को पढ़ाइए ताकि जो है बच्चा आगे बढ़ सके। बच्चा का पैसा जाता है खाता में, माँ बाप दारू पी लेता है, तमाम बात कैसे कीजिएगा? तमाम बात पर जो है मेरी निगरानी रहेगी और तमाम कीजिएगा।
तमाम गार्जियन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और समझा ही दूंगा, क्योंकि हमारे पंचायत में छात्र और छात्रा में जो है प्रतिभा की कमी नहीं है। हम आएंगे स्कूल देखने के लिए, एकदम आइए, वेलकम, स्वागत है आपको भी, साथ में ले जाएंगे, गेट पर रैंक करा और यहाँ बड़का घड़ी रखेंगे, यहाँ टाइम देखेंगे कितना बजे शिक्षक आया, यहाँ तक होगा साथ दीजिएगा ना, हाँ यहाँ तक होगा कि हम खुद जो है कम से कम जितने भी विद्यालय है हम होगा तो महीने में एक या दो घंटे हम अपना से विद्यालय में जाएंगे, हमको बुलाइएगा साथ में देखेंगे।